Hello 7th class students, this is your English teacher and I welcome you to your online classes. After giving your test, I hope you all are refreshed. So, here we are with our poem and the name of the poem is Trees. आज हम ऐसी पोएम के बारे में पढ़ने वाले हैं जो ट्रीज की वैल्यू बताती हैं. बहुत सारे यूजेस हैं ट्रीज के. हम हर चीज के लिए ज़्यादातर हम ट्रीज पर डिपेंड करते हैं, चाहे वो मतलब प्योर ऑक्सीजन अगर आपको चाहिए. आप सपोज कीजिए कि अगर ट्रीज नहीं होंगे जो कि ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड कराते हैं, तो फिर हम सांस कैसे ले पाएंगे. या फिर बात करें हम अपने वुडन चीज़ों की, कि आपकी लकड़ी का जो सामान है वो फिर आप कैसे बनवा पाएंगे. या फिर फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, इन सारी चीज़ों के लिए हम अपने प्लांट्स, हमारे क्रॉप्स, हमारे ट्रीज, इन पर ही डिपेंड है. सो अब इसका थीम पढ़ते हैं और फिर जल्दी से पोएम की तरफ बढ़ते हैं. द पोएम टेल्स अस सो मैनी इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट ट्रीज. ये पोएम जो ट्रीज का नाम ही ट्रीज है, वो हमें इम्पॉर्टेंस भी ट्रीज के बारे में ही बताती है. बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें ट्रीज के बारे में कुछ पता भी है और कुछ हम आगे भी जानेंगे जब आप जैसे बड़े होते जाएंगे. ट्रीज आर अवर लाइफ लाइन. दे आर कॉल्ड आवर लाइफ लाइन बिकॉज दे प्रोवाइड अस ऑक्सीजन. बिना ऑक्सीजन के आप कैसे जिंदा रह सकते हैं. अगर ट्रीज जैसे कटते जा रहे हैं तो आपने तो आप इतने ज़्यादा एडवांस हैं कि आपने बहुत सारी चीज़ें भी ऐसी देखी होंगी यूट्यूब्स पर, सोशल मीडिया पर, कि अगर नहीं होंगी तो फिर जो ऑक्सीजन सिलेंडर है, आप जानते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि जैसे पानी में जाना है या ज़्यादा ऊँचाई पर जाना है, वहाँ ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं होती ज़्यादा. तो इस ज़मीन पर जो नॉर्मल हमारा ग्राउंड है, जो बेस है, वहाँ पर हमें ऑक्सीजन अच्छे से अवेलेबल है, तो वहाँ पर हम वैल्यू कर नहीं रहे हैं पेड़ों के बारे में. और फिर जब हम ऊपर जाते हैं तो हम ऑक्सीजन सिलेंडर ले लेके जा रहे हैं. दैट इज़ रॉन्ग विद अस. और ये सभी की प्रॉब्लम है शायद. देर आर सो मैनी एक्टिविटीज दैट वी डू ऑन एंड अराउंड द ट्रीज. और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप पेड़ों के आसपास या पेड़ों पर करते हैं. जैसे पेड़ों पर क्या करते हैं, जैसे ट्री हाउस बनाते हैं. पेड़ के नीचे ट्री हाउस नहीं होते, पेड़ के ऊपर ट्री हाउस होते हैं, जहाँ से व्यू बहुत ही सुंदर देखने को मिलता है. और पेड़ों के आसपास हम खेलने के लिए पेड़ों को यूज़ करते हैं. आप छुपम छुपाई, आई मीन हाइड एंड सीक जब आप खेलते हैं, तो उस टाइम पर आप पेड़ों के पीछे छुप सकते हैं. ये बच्चों के छुपने की एक अच्छी जगह है. कई बार हम अपने फ्रेंड्स के साथ पेड़ों की टहनियों पर जाकर बैठते हैं. दैट इज क्वाइट अम्यूजिंग, दैट इज क्वाइट एंटरटेनिंग. सो यही सारी चीज़ें हैं. जब अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो फिर आप ये सब काम कैसे करेंगे. बाकी क्या क्या काम होते हैं पेड़ों से या पेड़ों की वजह से, और क्या क्या आपको चीज़ें याद आती हैं, ये टेक्स्ट की तरफ चलते हैं और फिर उसमें पढ़ते हैं. ट्रीज आर फॉर बर्ड्स, ट्रीज आर फॉर चिल्ड्रन. पेड़ उन पक्षियों के लिए हैं, पेड़ बच्चों के लिए हैं. ट्रीज आर टू मेक ट्री हाउसेस इन. पेड़ उन बच्चों के लिए हैं जो पेड़ों में अपना घर बना सकते हैं. ट्री हाउस पेड़ों के ऊपर बनाए जाते हैं. ट्रीज आर टू स्विंग स्विंग्स ऑन. पेड़ उस चीज़ के लिए भी यूज़ किए जाते हैं जब बच्चे उनकी टहनियों पर झूला तैयार करते हैं. ट्रीज आर फॉर द विंड टू ब्लो थ्रो. पेड़ उस हवा के लिए है जो उनसे बहकर गुजरती है. अगर पेड़ नहीं होंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हवा गुजर रही है या नहीं गुजर रही. जब तक कोई चीज़ हिलेगी नहीं, कोई चीज़ स्टिल है, वहाँ पर पेड़ ही तो है, पेड़ की पत्तियाँ हिलती हैं तो हमें पता चलता है कि हवा चल रही है. ट्रीज आर टू हाइड बिहाइंड इन हाइड एंड सीक. ट्रीज हम यूज़ करते हैं ताकि हम लुका छुपी में या छुपम छुपाई, जिसे आप कहते हैं, आप उसमें पेड़ के पीछे छुप सकें. हाइड बिहाइंड का मतलब है किसी चीज़ के पीछे छुपना. ट्रीज आर टू हैव डीप पार्टिकल पार्टीज अंडर. ट्रीज हम इसलिए भी यूज़ करते हैं ताकि हम वहाँ पर ट्री पार्टीज कर सकें, टी पार्टीज कर सकें. उसके नीचे बैठकर हम अपना पिकनिक मना सकें, हम अपनी पार्टीज इंजॉय कर सकें. ट्रीज आर फॉर द काइट्स टू गेट कॉट इन. पेड़ उन काइट्स के लिए हैं, उन पतंगों के लिए हैं
जिन्हें हमें लगता है कि जब हवा चलती है तो वो पतंगे उन पेड़ों में अटक जाती हैं। अगर पेड़ नहीं होंगे तो पतंगे किस में अटकेंगी? ट्रीज आर टू मेक कूल शेड इन समर। पेड़ इसलिए भी यूज़ किए जाते हैं ताकि उन्हें गर्मियों के अंदर छाया मिल सके, क्योंकि जब धूप बहुत तेज़ होती है तो वो पेड़ ही होते हैं जो हमें ठंडी छाया देते हैं। ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर। और ट्रीज इसलिए भी काम में आते हैं क्योंकि वो हमें सर्दियों में कोई छाया नहीं देते हैं। ट्रीज आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन एंड पियर्स। यहाँ पर ट्रीज इसलिए भी, मतलब जो ट्रीज हैं वो इसलिए भी यूज़ होते हैं क्योंकि वो हमें फ्रूट्स देते हैं जिन पर हम, जैसे एप्पल के पेड़ हो गए, पियर्स के पेड़ हो गए, तो ऐसे पौधे, ऐसे पेड़ हम उगाते हैं ताकि हम फ्रूट्स खा सकें। ट्रीज आर टू चॉप डाउन एंड कॉल टिम्बर। ट्रीज़ को जब काटा जाता है तो उन्हें लकड़ी बुलाया जाता है, टिम्बर बुलाया जाता है। तो अगर ट्रीज़ नहीं होंगे तो फिर काटा किसको जाएगा और लकड़ी का सामान कैसे आएगा? ट्रीज़ मेक मदर्स से व्हाट अ लवली पिक्चर टू पेंट। मदर्स ट्रीज़ को देखकर, माए ट्रीज़ को देखकर ये कहती हैं कि कितनी सुंदर पिक्चर है, इस पिक्चर को तो पेंट कर लेना चाहिए, क्योंकि जब सीनरी तैयार होती है तो किसी भी पेड़ के बिना सीनरी तैयार नहीं हो सकती। जब आप कोई पिक्चर बनाते हैं नेचर की, कोई लैंडस्केप बनाते हैं, तो उस टाइम पर बहुत सुंदर पिक्चर तैयार होती है अगर उसमें एक हरा भरा पेड़ दिखाई देता है तो। एंड ट्रीज मेक फादर्स से व्हाट अ लॉट ऑफ लीव्स टू रेक दिस वॉल। और फादर्स ट्रीज को देखकर ये कहते हैं कि कितनी सारी गिरी हुई पत्तियां हैं, कितनी सारी गिरी हुई लीव्स हैं जिन्हें अब यहाँ पर इकट्ठा करना पड़ेगा। तो अगर ट्रीज ही नहीं होंगे तो फिर फादर ऐसे कैसे कहेंगे, सारे सबके पापा ऐसे कैसे बोलेंगे कि कितना काम है करने के लिए, कितनी पत्तियाँ इकट्ठी करनी है। सो देखिए, अब हमारे पॉइंट ने कितनी सारी फायदे बताए हैं, कितने सारे यूज़ बताए हैं ट्रीज़ के। आई होप आपके पास भी ट्रीज़ के बहुत सारे यूज़ होंगे। हम अपनी क्लास में इसे डिस्कस करेंगे कि आपके पास ट्रीज़ के कौन से नए नए यूज़ हैं जो शायद यहाँ पर पॉइंट को नहीं पता और आप ज़्यादा अच्छे तरीके से बता पाए। थैंक्स फॉर दिस पोयम। अगर आपके डाउट्स हैं यू कैन क्लियर मी डायरेक्टली। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।